नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी आज एक निजी कार्यक्रम के तहत गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान वे जंगीपुर विधायक के आवास पर रुके और मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी के दलित प्रेम पर भी बरसे। उन्होंने बताया कि अगर भाजपा 2019 में सरकार बनाई तो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। जितनी सैनिकों की हत्या इनके सरकार में हुई है, इतनी किसी भी सरकार में नहीं हुई है। कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाया और एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा, जब हम सत्ता में आएंगे तो इनकी भी जांच कराएंगे। इसके अलावा राम गोविंद चौधरी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। गठबंधन नहीं होगा और अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली 19 में तो देश गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। संविधान भी बदलने की पूरी तैयारी है। लोकतंत्र पर मेरे को ग्रह लगता है, इसलिए आवश्यक है कि सभी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर के इस लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार को जितना जल्द हो सके दिल्ली के गति से हटाए। बिल्कुल असत्य बोलने वाले थे। 14 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पाकिस्तान और चीन चू नहीं कसेगा। और हम लगता है कि इनके राज में जितना अधिक हमारे परिवार के सेना में काम करने वाले सैनिकों की हत्या हुई है, इतिहास में इतना कभी नहीं। चीन भी दो दो बार अंदर आई है हमारे सीमा के, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी गई है। इन्होंने कहा था कि 30 दिन के अंदर हम सारी रीतियों को भर देंगे, आगे भी कहूँ वहाँ तक नहीं निकाले। रोज लाखों रोजगार हम दे दिए, तो क्योंकि अखबार में आप लोग छाप देते हैं तो गाजीपुर को लोग समझते हैं कि बलिया के लोगों को नौकरी मिली होगी, बलिया के लोग समझते हैं कि बनारस के लोगों को मिली, मिला किसी को नहीं। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में जनता से वादा किया था, एक भी वादा 4 साल में नकली सरकार ने पूरा किया? एक साल से अधिक हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा। दलित को दलित बनाने वाले यही लोग हैं, दलित को अछूत बनाने वाले भी लोग यही, और इनका गांव किसान खेत खलिहान से कोई लेना देना नहीं। ये बड़े पूंजीपतियों के पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन चुनाव आए दिखलाने के लिए गांव भी कैसे है ये तो दिखा उनको जरूरी है ना, गांव को कभी देखे नहीं हो, इसलिए वो गांव में जा रहे हैं। ये नौटंकी और कुछ नहीं। दलित के घर भोजन कर लेने से दलित ब्राह्मण तो हो नहीं जाएगा, वो तो दलित रहेगा। भोजन करने से समस्या का समाधान, उनको समस्या का समाधान करिए ना, इसलिए सरकार के भोजन करने के लिए सरकार, और जो उसके पास है वो भी अब खा ले रहे हैं, ये तो कुछ नहीं रहे। तो सरकार बनी है समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग, सबकी समस्याओं का समाधान करने का एकमात्र केंद्र है सरकार, चाहे जो भी सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समस्याओं का समाधान करने में कोई रुचि नहीं, प्रदेश का विकास करने में कोई रुचि नहीं, उसको रुचि है कि कैसे ठग करके पुनः मैं वोट ले लूं। क्या माना जाए दलित में, दलित बस्तियों में प्रवास करना, उनके यहाँ भोजन करना, ये इसको क्या माना जाए? जितने प्रवास करेंगे, जितने भोजन करेंगे, उतने दलित एकजुट हो गए इनके खिलाफ। फर्जी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। एक भी कोई उत्तर प्रदेश में सही इनकाउंटर नहीं हुआ, मैं विधानसभा में भी कह चुका हूँ। अगर एक भी होता, मैं विधानसभा में कहा कि अध्यक्ष जी, न पुलिस का निशाना सही है, न बदमाशों का निशाना सही है, तो किसी की गोली छाती पर नहीं लगती है, न पुलिस के लगती है बदमाश के छाती पर, न बदमाश की गोली लगती है पुलिस के छाती पर, दोनों की गोली दोनों को पैर में लगती है। जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं जो मरे नहीं उनको पैर में मारा जाता है। सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे फिर इस पे? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मैं पूरी जांच कराऊंगा, अच्छे से
और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब हम लोग फर्जी तो बोले कि नहीं, लेकिन 5 फर्जी इनकाउंटरों को मैंने विधानसभा में बिल्कुल दे दिया कि आदमी कहां से पकड़ा गया और कहां ले आ गया, कहां इसको मारा गया। MMC न्यूज के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।